नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय की जो बड़ी खबर है हर एक उस बच्चे के लिए जिनकी उम्र 16 साल से कम है। बड़ी खबर क्या, वो भी बताना चाहेंगे कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद। आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का होगा जुर्माना। गाइडलाइंस बताना चाहेंगे जारी की है, क्या गाइडलाइंस है वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश नहीं मानने पर कोचिंग सेंटर को होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। गाइडलाइंस जारी की गई, शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए कोचिंग सेंटर पर नकेल कसी है। सरकार ने निजी शिक्षणों यानी के प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए आदेश दिया है कि 16 साल से कम उम्र वाले विद्यार्थी कोचिंग नहीं जा सकेंगे। यानी जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, साफ तौर पर सरकार ने एक आदेश निकाला और आदेश में ये कहा है कि कोचिंग सेंटर में जाने वाले छात्र छात्राओं की उम्र 16 साल से कम नहीं होगी। जो भी इस आदेश की अवहेलना करेगा उन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। सरकार ने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन रद्द की भी हो सकती है। माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय से कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या की घटना सामने आने के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये आम जनता यानी के युवा छात्रों से जुड़ी हुई यह खबर है। साफ तौर पर सरकार ने फैसला इसलिए लाया कि कहीं ना कहीं उन्हें ये खबरें मिल रही थी कि कोचिंग सेंटर में बच्चे जब उनका रिजल्ट आता था या वो कोचिंग करने जाते थे और रिजल्ट में अगर कम अंक आते थे उसके चलते बच्चे इस कदर सदमे में होते थे कि वो आत्मदाह कर लेते थे। देश के शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिला नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं करेंगे। यानी जिस तरह से कोचिंग सेंटर में कई कोचिंग सेंटर ऐसे होते हैं, वो दावा करते हैं कि अगर आप हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ेंगे या ट्यूशन लेंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे। यानी इस तरह की गारंटी देने वाले या इस तरह के कोचिंग सेंटर यानी जो दावा करने वाले हैं और भ्रामक वादे करने वाले हैं, यानी कि साफ तौर पर ने कहा और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद जेईई, नीट, क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आने वाली कोचिंग सेंटर्स के लिए की गई है। यानी वो कोचिंग सेंटर जो कि जेई की 12वीं के बाद जेई की, नीट की या क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स और सभी प्रतियोगी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने वाली कोचिंग सेंटर के लिए बनाई गई है। इसीलिए मंत्रालय ने जारी किया आदेश। मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने, संस्थानों में आग की घटनाओं के बढ़ने और साथ ही साथ कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों को लेकर लगातार सामने आ रही शिकायतों को देखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने दिए ये दिशा निर्देश कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी भी नहीं दे सकता है। कोई भी कोचिंग संस्थान 16 से कम उम्र के छात्रों का नामांकन यानी के रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में रजिस्ट्रेशन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। कोचिंग संस्थान बढ़ाई यानी के पढ़ाई की गुणवत्ता या उम्मीद दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थानों में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता या प्रकाशित नहीं करवा सकता या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकता है। गाइडलाइंस के अनुसार कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिस पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम सामग्री, पूरा होने की अवधि, हॉस्टल की सुविधा व फीस आदि का पूरा विवरण दिया जाएगा। कोर्स बीच में छोड़ने पर लौटानी होगी फीस। दिशा निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी और ताकीरी
होना चाहिए और फीस की रसीद दी जानी चाहिए। इसमें साफ किया गया है कि अगर छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम यानी कोर्स छोड़ता है तो उसकी बची हुई अवधि की फीस लौटाई जानी चाहिए। नियम तोड़ने पर लगेगा 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना। साफ तौर पर आदेश दिया गया कि गाइडलाइन के अनुसार पहली बार नियम तोड़ने पर अगर कोई भी संस्थान यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर कोई पहली बार नियम तोड़ता है तो उसे 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार नियम तोड़ने को जो तो जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकती है। यानी साफ तौर पर अब प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर निकेल कसी है सरकार ने, और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कोई भी कोचिंग सेंटर इस बात का दावा नहीं करेगा कि हमारे कोचिंग सेंटर में यानी कि भ्रम करने वाले दावे नहीं करेगा, गारंटी नहीं देगा। और साथ ही साथ साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये शिकायतें लगातार आ रही थी कि बच्चों के साथ जब भ्रमिक वादे किए जाते और रिजल्ट आने के बाद अगर वो वादे नहीं पूरे होते तो बच्चे सुसाइड कर लेते। इन सारी चीजों को, इन सारे एस्पेक्ट को नजर रखते हुए सरकार ने फैसला लिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 16 साल की कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं दिया जाएगा और अगर कोई भी इस रूल की यानी इस आदेश की अवहेलना करेगा तो उसे 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना तो होगा, साथ ही साथ उनकी रजिस्ट्रेशन भी रद्द की जाएगी। कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए ये बड़ी खबर है और साथ ही साथ उन ट्यूशन सेंटर के लिए भी। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं और बच्चों को यानी हसीन सपने दिखाते हैं, उन्हें भ्रमित उनके माता पिता को करते हैं और अगर नंबर कम आते हैं उसके चलते बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं, आत्मदाह करते हैं, तो जिसके चलते काफी एक गहनता से जांच का मामला जिसे मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है और ये फैसला बड़ी ही संजीदगी के साथ इसे मानना होगा और इसे कोई भी अगर इसकी अवहेलना करता है, वायलेशन करता है तो सरकार की तरफ से 1,00,000 रुपए का जुर्माना तो होगा, साथ ही साथ उस इंस्टीट्यूशन की प्राइवेट कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकती है। अब जनता ने फैसला करना है। इस तरह का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया कितना योग्य साबित होता और आम जो यानी कि छात्रों के लिए कितना लाभदायक है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंचे, खास करके माता पिता तक भी। ये दायित्व उनका भी बनता है, अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश आता है तो उन्हें भी मानना है, ऐसी कोई वायलेशन ना करें कि वहां पे इंस्टीट्यूट वाले तो उन्हें तो कानूनी दायरे में आना पड़े पर कहीं ना कहीं माता पिता के ऊपर भी शिकंजा कसा जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों को ट्यूशन कोचिंग सेंटर में मत भेजिएगा और साथ ही साथ जो दावे करते हैं ऐसे कोचिंग सेंटर आप तुरंत उनकी शिकायत कर सकते हैं और अगर कोई भी इंस्टीट्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो नीट की या यूके अन्य जो जेई की अन्य जो परीक्षा यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं कोई भी बच्चा अगर वहां 16 साल की कम उम्र का पाया जाता है, कोई भी अगर ट्यूशन सेंटर प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर है वो इसकी वेला करते वॉयलेशन करते पाया जाता है तो उन्हें 1,00,000 रुपए का जुर्माना, साथ ही साथ उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।